राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन की गंगा संवाद यात्रा के 10वें दिन चौसिंगा में सुखपाल वेद प्रकाश शाख सरौता गांव श्री श्री 108 के स्वामी रघुवीर दास, रामस्वरूप नथुलाल नेत्रपाल सिंह पीलिया पुख्ता में श्री के एन गोविंदाचार्य का माल्यार्पण कर स्वागत किया। गंगा संवाद यात्रा सराय गांव पीलिया रमनगला गांव नन्नूखेड़ा भूदा भद्रौल विख्यात विचारक के एन गोविंदाचार्य द्वारा पहुंची। वहां के ग्रामीण लोगों से स्वामी जी ने किया संवाद। परंपरागत भारत से सर्वोत्तम में क्या है, दर्शन से क्या संचालित होता आया है, भारत का जन अपने मूल अधिष्ठान को पहचान ले तो औषधि मानव केंद्रित विकास के स्थान पर कर अपने आगे बढ़ जाएगा। भारत युवाओं की भूमि है, जहां जंगल जल जमीन जीव सहित पर्यावरण के सभी पहलुओं से तालमेल बिठाते हुए एक युग कुल जीवन पद्धति का सूत्रपात हो सकता है। गंगा की अविरल धारा को उसी की तरह त्रिकाल सत्य माना गया है। सूर्य और चंद्रमा को लोग गंगा की अटूट धारा को अटूट सत्य मानकर कसमें खाते थे, आशीर्वाद देते थे। विवाह के समय मांगलिक गीतों में गंगा के लिए गाया जाता था। गंगा जमुना की धारा अभी तक चल रहे सुहाग, क्या तुम्हारा आज गीत का कोई औचित्य नहीं रह गया है। गंगा के प्रवाह पर पहला संकट अंग्रेजों के समय आया था। उन्होंने बांध बनाकर इसे रोकना चाहा था। तब तत्कालीन समाज ने इसका भारी विरोध किया था। इस विरोध की अगुवाई मदन मोहन मालवीय ने 1905 में गंगा महासभा की स्थापना के मंच से आंदोलन कर धार दी थी। भोजन के बाद गंगा संवाद यात्रा पुरखेड़ा गांव, भकोड़ा गांव, बरोरा गांव, गुड़ा शाहपुर गांव, ककोड़ा गांव 11 किलोमीटर तक निकली। गंगा संवाद यात्रा में शामिल हुए बसवराज पाटिल, वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार, ललिता देवी, निरंजना देवी, निधि, दिनेश कुमारी, वासुदेव आचार्य, डॉक्टर विवेक कुमार, विवेक त्यागी, अरविंद तिवारी, जीवकांत झा, सागर पाठक, रोनित प्रिंस शर्मा, प्रभाकर आदि ने भाग लिया।